उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शनिवार देर रात गांव में आपसी रंजिश को लेकर अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और लाश को जंगल में फेंक कर फरार हो गए। किसान की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और फुगाना में मेरठ करनाल मार्ग को जाम कर दिया। इस बीच पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर सड़क से जाम खुलवाया। दरअसल फुगाना थाना इलाके में शनिवार देर रात खेत पर पानी चलाने गए युवक पप्पू की अज्ञात हमलावर गोली मारकर हत्या करने के बाद लाश को जंगल में फेंक कर फरार हो गए। युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि गांव में आपसी रंजिश को लेकर एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। कल देर रात फुगाना गांव के में सत्येंद्र नामक एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने ये बताया था कि गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने पुरानी रंजिश के कारण ये हत्या की घटना कारित की है। इसमें तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। घटना का अनावरण अतिशीघ्र कर दिया जाए। ग्रामीणों ने जाम भी लगाया। ग्रामीणों की मांग थी कि कार्यवाही की जाए। हम लोग ऑलरेडी उसमें कार्यवाही कर रहे हैं और विस्तृत जांच और विवेचना की जा रही है। दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। क्या मामला था सर, क्यों क्या रंजिश में निकल के आया? अभी तक जो प्रकाश में आया है वो गाँव की रंजिश है। विस्तृत जाँच की जा रही है।